हेलो दोस्तों नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यू नीट करके रिजल्ट फिर से जारी करने की बात कही जा रही थी। अब मामला डबल बेंच में है और डबल बेंच में लगातार सुनवाई जारी है। आज का हाईकोर्ट का केस अपडेट ये है कि आज से लगातार सुनवाई जारी रहेगा और साथ ही एक्सपर्ट कमेटी की टीम के द्वारा जिन 16 प्रश्नों को जांच के लिए भेजा गया था, फाइनली एक्सपर्ट की कमेटी की टीम ने जो है आज ये रिपोर्ट दे दी है। आपको बता दूं कि 16 प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपर्ट कमेटी की टीम ने 3 प्रश्नों को ही गलत माना है। जी हाँ, 16 प्रश्नों को गलत की बात कही जा रही थी, इसमें आज फाइनली एक्सपर्ट कमेटी की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्नों को ही गलत माना है। साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है 16 प्रश्नों में से एक्सपर्ट की कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्नों को गलत माना है। बाकी 13 प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम से जो है संदेह के घेरे में आते हैं, जो गलत होना चाहिए था। टीटी अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि आखिर एक्सपर्ट की कमेटी ने कौन सा जो है लंदन यूनिवर्सिटी का बुक लगा डाला। प्रश्नों में 3 प्रश्न ही एक्सपर्ट कमेटी गलत मान रहे हैं। इसकी सुनवाई अब कल होने वाली है और कल जो है प्रूफ देने के बाद ही पता चलेगा कि एक्सपर्ट कमेटी ने कौन सा लंदन यूनिवर्सिटी का बुक लगा डाला रेफरेंस के तौर पे, जिसमें से 16 प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न को ही एक्सपर्ट कमेटी ने गलत माना। इसी के साथ अगली सुनवाई कल होने वाली है। साथ ही आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सरकार की यह बहुत बड़ी साजिश कहा जाए, कहीं ना कहीं अब सरकार को भी लगने लगा है कि गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स मिलना टीटी अभ्यर्थियों को तय है, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जितने के गलत प्रश्न जो है जा सके। अब देखिए क्या होता है दोस्तों। 30 न्यूज में बस इतना ही। इसी के साथ अगली सुनवाई कल होने वाली है।